साथियों नमस्कार, एलपीएम ब्लॉग राजेश कुमार में आप सबका स्वागत है। मैं राजेश कुमार, आज मैं कोई मौके पर जाकर वीडियो नहीं बना सका, समय नहीं मिल पाया साथियों, तो ऐसे ही समय से आ गया घर पे, तो बैठे बैठे अपना वीडियो देख रहा था। देखते देखते नित्या के सपोर्ट चैनल का, नित्या भाई का एक वीडियो हमें दिखाई दिया, उस जिसको मैं देखने लगा। देखते हुए मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि क्यों न मैं भी चेक करूं कि मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं उस पे और लोग वीडियो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और मैं YouTube पे ही सर्च करने लगा। सर्च करते हुए मुझे वीडियो तो बहुत सारा दिखा, लेकिन जो ये एहसास हुआ उससे एक डर टाइप का पैदा हो गया। डर ये पैदा हुआ साथियों कि हमारे जैसे लोग मजदूरों से संबंधित वीडियो तो बनाए हैं, 5-5-6-6 साल हो गया, लेकिन उस पे व्यूज के नाम पे पूछिए मत। किसी पे 10 व्यूज, किसी पे 0 व्यूज, किसी पे 50 व्यूज, 100-500 से सबका नीचे ही था। बिरले किसी किसी का 1.2 के 1.3 के व्यूज था, वो भी 5-7 साल में। तो मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हो गया कि अरे यार, मैं भी इसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो। लेकिन बाकी लोगों का भी वीडियो देखता हूँ तो समझ में आता है कि यार, उनके पास दिखाने के लिए तो ऐसा कुछ है भी नहीं, फिर भी वो वायरल हैं, उनके ऊपर मिलियन में व्यूज जाते हैं। मैं तो कम से कम समाज को लेकर के एक विचार लेके चल रहा हूँ, एक मुद्दा लेके चल रहा हूँ, गरीबों मजदूरों की मदद करने के बारे में सोच रहा हूँ, उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, लड़ रहा हूँ असंगठित मजदूर कल्याण समिति के बैनर तले। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे पे भी व्यूज फ़िलहाल, अभी मैं नया हूँ, चैनल तो पुराना है, लेकिन एक्टिव इस समय हुआ हूँ तो कोई ख़ास व्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों का प्यार मिल रहा है। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक यही निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से गाड़ी में पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है, बिना डीजल पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरीके से एक वीडियो क्रिएटर को व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एक ऊर्जा का काम करता है। तो अगर हमारा काम पसंद आता है तो कम से कम हमारा मनोबल बढ़ाइए, और जिससे हमारा मनोबल ऊंचा रहे, प्रेरणा मिले। और नित्या जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उनका वीडियो देखते हुए मुझे कुछ जानकारी मिली जो मैं नहीं जान रहा था, और उम्मीद करूंगा कि आगे से वीडियो अपलोड करते हुए उनके बताए हुए चीज़ों को ध्यान में रखूं। और आपसे विनती है कि आप कम से कम लाइक शेयर करिए, ताकि दुगुनी एनर्जी के साथ मैं लोगों के बीच जाऊं। अभी तो मेरा शुरुआत है, और आने वाले समय में मैं आप लोगों को गांव में ले चलूँगा, विभिन्न मुद्दों पे लोगों से चर्चा करते हुए मिलूँगा, सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में बात करते हुए दिखाई दूंगा, और पूरी तरीके से आपको समाज के प्रति, गरीबों मजदूरों के प्रति समर्पित दिखूंगा, और उन्हीं से संबंधित हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो जो लोग भी इस तरीके के विषय पे, टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं, उनको मैं आगे बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं
नित्या भाई को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरीके से नए यूट्यूबरों को प्रमोट करते रहिए, उनकी कमियों को बताते रहिए, दूर करते रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, डायरेक्ट जनता के बीच में, गरीबों मजदूरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।